हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडिफ्लाई जेई नीट प्रज्ञान बैच। लाइक इन प्रीवियस क्लास आई हैव कंप्लीटेड फाइलम नाइजीरियंस, दैट इज सिलेंट्रेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर टुडे विद द पॉजिटिव एनर्जी। चलो लेट्स बिगिन। First, we'll study about the general characteristics of this animal or of this phylum, the general characteristics of the phylum Platyhelminthes. Okay. Sure. So, what is the general characteristics? How their body look like? Okay. उनकी जो बॉडी होती है, जो एनिमल्स होते हैं, जो वेरी कॉमन एग्जांपल इज टेप वर्म और लीवर फ्लूक। ओके, टेप वर्म एंड लीवर फ्लूक। टेप वर्म को हिंदी में फीता कर्मी बोल कहते हैं, फीता कर्मी। ओके, इट्स अ हिंदी। और वेर इट्स फाउंड, टेप वर्म जो है ना, वो लाइक द वेजिटेबल्स विच आर नॉट वॉश्ड एंड अगर ऐसे ही काट दिया जाए तो उसमें अगर छोटे छोटे कीड़े टेप वर्म अगर वो विद द हेल्प ऑफ इंजेस्टेड फूड इट गोज इनसाइड द स्टोमक ऑफ द ह्यूमंस देन इट क्रिएट हैवॉक इन द बॉडी। दैट मीन्स दैट विल एंटर टू द लीवर एंड थ्रू द ब्लड सोर्स इट विल एंटर टू द ब्रेन एंड दैट विल क्रिएट डैमेज टू योर बॉडी। ओके, टेप वर्म। एंड ऑल्सो अगर कोई मीट, किसी भी जानवर का मीट अगर खा रहे हैं तो अगर वो इफ दैट एनिमल इज इन्फेक्टेड एंड इफ यू आर जस्ट without washing if you are preparing that food or meat, in that cases also the tapeworm can be ingested and that may create havoc in the body. Okay, so this is about the tapeworm. So wo kaise dikhte hain, they have dorsoventrally flattened body and hence are called flatworms. So this is the important terminology that is being represented in case of Platyhelminthes. Platyhelminthes ko kya kehte hain, they are known as flatworms. Okay, पॉइंट टू बी नोटेड, क्लियर? ओके, तो फ्लैटवर्म्स के बारे में आप, मैंने बता दिया कैसे उनकी बॉडी होती है। देखिए, आई शो यू डायग्राम, सिंपल डायग्राम ऑफ टेप वर्म। ओके, फीते की तरह होते हैं, इस तरीके से जैसे फीता होते हैं ना, पतली से फीता और दो लेयर होते हैं। ठीक है, सो दिस वे दिस टेप वर्म इज, ओके, छोटे छोटे प्रोग्लोटिड्स होते हैं, इनको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। जस्ट आई एम शोइंग यू द डायग्राम कैसे होते हैं रिबन। जस्ट देखो, ये फीता को क्या कहते हैं, रिबन। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिबन की तरह हो सकता है या लीफ की तरह हो सकता है। जैसे लीवर फ्लूक का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लीफ की तरह है, क्लियर है? एंड ऑल्सो वन थिंग इज दैट देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, बट दैट इज नॉट द ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन वो होता है जिसमें अगर हम बॉडी को सेगमेंटेड हो तो बाहर से अंदर, जैसे केचुए में होता है। हाँ, केचुए में मैंने बताया था, अर्थवर्म केस में क्या होता है कि जब हम बाहर से अगर जो सेगमेंटेड होते हैं, दैट इज ट्रू सेगमेंटेशन, वो अंदर भी दिखता है। दैट सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स इज ऑल्सो सीन इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। बट वट हैपन्स इन केस ऑफ प्लेटीहेलमिंथस इज दैट सेगमेंटेशन जो है, दैट इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स कि वो सिर्फ बॉडी पे ऐसे लाइन मार्किंग हुई है। ओके, दैट सेगमेंटेशन इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स सेगमेंटेशन यू कैन से। ट्रू सेगमेंटेशन इज एबसेंट इन केस ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। सो दैट पॉइंट इज टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया, क्लियर है? So this example you have to remember, Planaria, and many more examples are yet to be discussed, but the basic example, Planaria, tapeworm, liver fluke, okay? Chalo. Next we'll talk about habit and habitat. Basically where they are found. They are not found in the oceans or anywhere, like in marine or freshwater, like in previous classes I've shown you about the corals and all, like in phylum Coelenterata. They are mostly endoparasites. That means they are found in animals. मतलब animals के अंदर पाए जाते हैं वो।
इवन इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इट इज फाउंड. हाउ इट इज फाउंड, आई टोल्ड यू दैट इफ ए पर्सन कंज्यूम द इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स और रॉ कुक्ड दैट इज नॉट कुक्ड नाइसली एंड इफ दैट एनिमल इज इन्फेक्टेड, इन दैट केस दैट tapeworm or that platyhelminthus can enter inside your body. Okay, so basically they are mostly endoparasites and they are found in animals including human beings. तो इनका source of food क्या होता है, वो animals के अंदर ही अपना source of food बना लेते हैं, ठीक है ना. So this point to be remembered, these are the first phylum where parasites are seen. Okay, so सबसे पहला phylum, अगर question आता है NEET में ऐसा कौन सा फाइलम है जो जिसमें पैराजाइट सबसे पहले दिखते हैं, नाइडेरियंस तक पैराजाइट्स के कोई नाम नहीं था. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर इज दैट फर्स्ट फाइलम वेयर पैराजाइट्स आर सीन दैट इज फाइलम प्लेटीहेलमिंथस, रिमेंबर. ओके, एग्जांपल इज स्टीनिया सोलियम, पॉर्क टैपवर्म, पॉर्क योर एवरीवन यू नो पॉर्क टैपवर्म, शीप लिवर फ्लूक दैट मींस फेसियोला हेपेटिका. ओके, पॉर्क टेपवर्म क्योंकि जो जैसे कि पिग होते हैं ना, टेपवर्म का जो लाइफ साइकिल होता है पहले ह्यूमंस में होता है एंड देन इट मूव ऑन टू पिग, सो इट इज नॉन एज पॉर्क टेपवर्म. ओके, एंड दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज द फ्री लिविंग फ्लैटवर्म दैट इज प्लेनेरिया. सो क्वेश्चन माइट कम इन योर एग्जाम दैट फ्री लिविंग फ्लैटवर्म कौन से होते हैं, जो फ्री लिविंग होते हैं. ओके, दे आर नॉट solitary or they are not colonial or they are not they don't stay single. Okay, so they are free living. Okay, example is planaria. Clear hai? Chalo, now we'll talk about the body plan, blind sac type of body plan. Okay, mouth hai but anus nahi hai, that means like cnidarians, same body plan cnidarians ki tarah hi hai unka. Mouth present hai but anus absent hai, that means undigested jo bhi food hai that will come out through the mouth. Okay, body symmetry, they are bilateral symmetrical animals. Clear hai, jab bhi hum ek organisms ko divide karenge so that can be divided into two equal parts, that is known as bilateral symmetrical animals. And you have to remember that in case of cnidarians they were radially symmetrical animals. So यहाँ से हमें याद रखना है कि platyhelminthes से सबसे पहले the platyhelminthes से वो phylum है जहाँ से bilateral symmetrical स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट फाइलम वेयर बायलेटरल सिमेट्रिकल स्टार्टेड क्या है, प्लेटीहेलमिंथस. ठीक है, सो दिस पॉइंट टू बी नोटेड इन केस ऑफ नीट एग्जाम, बॉडी सिमेट्री के बारे में याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो उसमें था टिश्यू तक आए थे हम नाइडोरियंस में, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस फॉर्म है, दैट इज ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, और इनमें क्या होता है, हुक्स रहते हैं, छोटे छोटे हुक्स होते हैं बॉडी फ्रंट पे, और सकर्स होते हैं माउथ के पास, दैट मीन्स दे सक द ब्लड और दे विल सक द फूड, वो सक करके और लिविंग लिविंग बींग्स में वो अपना होस्ट बना के सक करके अपना खाना निकालते हैं. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स, दे सो बिगनिंग ऑफ सेफिलाइजेशन. एंड वॉट इज सेफिलाइजेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हेड. क्लियर, तो दिस इज द प्लेटीहेलमिंथस इज द फर्स्ट फाइलम वेयर द फॉर्मेशन ऑफ हेड इज सीन, दैट पॉइंट इज यू हैव टू रिमेंबर. That point is, you have to remember that this phylum shows the beginning of cephalization. And what is cephalization? It's the formation of head. Okay? Chalo. So next we'll move on to germ layers. Like in cnidarians, germ layers kaise the usme? Diploblastic the. That means they were originated from two germ layers. One was ectoderm and the other was endoderm. But in case of platyhelminthes, they are triploblastic animals. Triplo means they'll have three layers. That means one mesoderm layer is included in case of platyhelminthes. मतलब हम कह सकते हैं ये पहला फाइलम है जिसमें triploblastic layers, three layers से, जो animals है that has to get formed. Okay? So this
पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज द फर्स्ट फाइलम, वेयर दिस इज द फर्स्ट फाइलम वेयर थ्री जॉम्लियस आर सीन, दैट इज एक्टो, मेसो एंड एंडो. क्लियर है? द जॉम्लियस इज डन. नाउ विल मूव ऑन टू गैस एक्सचेंज, दैट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कैसा होता है उनके? रेस्पिरेशन में कोई चेंजेस नहीं है. लाइक नाइटेरियंस, इनमें भी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है थ्रू जनरल बॉडी सर्फिस. बॉडी सर्फिस से इनका गैस एक्सचेंज होता है. दैट इज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू विद द हेल्प ऑफ बॉडी सर्फिस. ओके, दैट मीन्स उनके पास कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है. ठीक है, इनमें रेस्पिरेशन बॉडी सर्फिस से ही होता है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. लाइक इन यू हैव टू कंपेयर एंड स्टडी विद द प्रीवियस फाइलम, देन ओनली यू कैन रिमेंबर. ओके, एक्सक्रेशन क्या था? एक्सक्रेशन में क्या होता है? स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज द पॉइंट दैट इज यू डोंट हैव टू मिस फॉर योर एग्जाम्स. फ्लेम सेल्स जो है जिसके थ्रू इनका एक्सक्रेशन होता है, दैट मीन्स द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी इज दे विल गो आउट फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स. तो इनमें एक्सक्रेशन के लिए स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स है जो नाइटेरियंस में नहीं था. तो फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट विल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन. क्लियर? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है? जस्ट लाइक इन प्रीवियस एमोनिया है. सो इनको क्या कहेंगे? एमोनोटैलिक. क्लियर? चलो नाउ विल टॉक अबाउट सर्कुलेशन. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? अनडेवलप्ड है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है सर्कुलेशन इनमें. इनमें क्या होता है? बॉडी कैविटी जो है, बॉडी कैविटी विच आई हैव एक्सप्लेन टू, बॉडी कैविटी क्या होता है? बॉडी कैविटी में कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको कहते हैं क्या? पैरेन्काइमा. एंड थ्रू दैट ओनली सर्कुलेशन टेक्स प्लेस. मतलब इतना ज्यादा डेवलप सर्कुलेशन नहीं है इनके बॉडी में. ठीक है, नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है? वो इनकम्प्लीट है. जैसे कि मैंने अभी कहा, माउथ प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनस एब्सेंट होते हैं. ठीक है ना, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो माउथ से ही वापस आ जाएंगे. क्लियर है? पैरासिटिक फॉर्म्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस. जो 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 एनिमल्स हैं इन केस ऑफ प्रीटी हेलमिंथस, दे आर बेसिकली पैरासाइट्स. दैट मीन्स वो लिविंग होस्ट, लिविंग सेल्स पे या लिविंग बींग पे डिपेंड होते हैं. ओके, एनी लिविंग सोर्स से अपना फूड निकालते हैं. तो वो कैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे? वो क्या करेंगे? अपने बॉडी सर्फेस से ही, अपने ही बॉडी सर्फेस से उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे. होस्ट डायरेक्टली होस्ट से वो अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेंगे खाना. ठीक है, सो दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिटिल हेलमिंथस हैज. इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स ऑफ फूड आर पास्ड आउट थ्रू द माउथ. लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट एनस इज एब्सेंट, माउथ इज प्रेजेंट. सो विच फूड इज नॉट डाइजेस्टेड बाई देम, दैट विल कम आउट थ्रू द माउथ. ओके, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स दे आर हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स. अगर सेक्सेस सेपरेट नहीं है, दैट मीन्स एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स हैं. सेक्सेस सेपरेट नहीं होने का मतलब ये है कि डिफरेंट मेल और फीमेल ऑर्गन्स नहीं है, एक ही एनिमल्स में दोनों ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल. उन्हीं को क्या कहते हैं? हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं. ओके, कॉपुलेटरी अपैरेटस. जो कॉपुलेटरी अपैरेटस है दैट इज प्रेजेंट. ओके, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इट इज इंटरनल. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो उसमें लार्वल स्टेजेस होंगे. विद द हेल्प ऑफ लार्वल स्टेजेस ओनली इट विल फॉर्म द फुल एडल्ट. अगर डायरेक्ट होता है डेवलपमेंट तो उसमें लार्वल स्टेजेस नहीं होते हैं. इफ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट मीन्स इट विल हैव मेनी लार्वल स्टेजेस. तो अब हम बात करते हैं लार्वा ऑफ सी लिवर फ्लूक. तो सबसे पहला लार्वा दिस मिरासीडियम. ओके, तो हम इसका लाइफ साइकिल कह सकते हैं. लाइफ साइकिल है, ठीक है, सीप लिवर फ्लूक का. पहले क्या होता है? मिरासीडियम होता है. तो मिरासीडियम जो है सबसे पहला लार्वा है, फर्स्ट लार्वा. एंड दिस इज द हाईली एडवांस्ड लार्वल स्टेज. हाईली एडवांस्ड लार्वल. ठीक है, सेकंड है मिरासीडियम के बाद स्पोरोसिस्ट. थर्ड इज रेडिया. फोर्थ इज सर्केरिया. फिफ्थ इज मेटासर्केरिया. मेटासर्केरिया मतलब स्नेल लार्वा.
ओके, शिप लिवर फ्लूक का ये लार्वा होता है। इन लार्वल स्टेजेस के बाद ही शिप लिवर फ्लूक बनता है। पहले मिरासीडियम होगा, देन दैट स्टेप अगेन प्रोसीड टू स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया होगा, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया दैट इज नथिंग बट स्नेल लार्वा, एंड दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ शिप लिवर फ्लूक। और ये सारे जो है लार्वल स्टेजेस हैं, पहले मिरासीडियम, देन इट गोज टू स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, देन सर्केरिया, देन मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया इज नथिंग बट इट इज स्नेल लार्वा। ओके, लार्वे ऑफ पोर्क टेपवर्म, दैट इज इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज टीनिया सोलियम, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, इसमें कौन कौन से लार्वे होते हैं? वन इज हेक्साकांत, सेकेंड इज ऑनकोस्पियर, एंड द थर्ड इज सिस्टिसर्कस। सिस्टिसर्कस मतलब ब्लडर वर्म, ओके, जो ब्लडर में जाके इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तीन लार्वल स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट, एंड दैट जाइगोट विल रिजल्ट इनटू मोरूला, एंड दैट मोरूला विल डेवलप थ्री पेयर्स ऑफ काइटिनस हुक। ये जो मोरूला है, ये मोरूला, दिस विल डेवलप थ्री पेयर्स ऑफ काइटिनस हुक्स। क्लियर? तो सबसे पहले जाइगोट होगा। एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ फर्टिलाइजेशन, पहले जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट से क्या होगा, ये हम बता रहे हैं आपको लाइफ साइकिल कैसा होता है इसमें। ठीक है, पॉर्क का, ठीक है ना। उसके बाद मोरूला स्टेजेस होंगे, जैसे रिप्रोडक्शन में, अभी 12th में पढ़ा रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ यू वांट टू नो अबाउट द मोरूला, ब्लास्टुला एंड दिस ऑल स्टेजेस, यू कैन गो एंड चेक ऑन द स्लाइड्स। ओके, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, मोरूला के बाद क्या होगा, थ्री पेयर्स ऑफ हुक्स डेवलप होंगे। हुक्स, वही हुक्स जिससे वो खाना सक करेंगे, ओके, लिविंग होस्ट से। नेक्स्ट, दैट मोरूला विल डेवलप इनटू हेक्साकांथ लार्वा। दैट हेक्साकांथ लार्वा जो है, that will be surrounded by membranes. Okay, clear? That will be surrounded by membranes, and after that oncospore larva will form, and that will result into cysticercus larvae. And you know, cysticercus larvae matlab measly pork, kyunki hum pork ke bare mein padh rahe na, that is nothing but tinea solium, larvae of pork. You know, everyone, because I'm vegetarian, I haven't tasted pork, but many of people, they used to eat pork like the favorite food kind of, right? So next, body of tapeworm. जैसे अभी मैंने tapeworm के बारे में बताया था ना, जैसे कि इस तरीके से वो, इस तरीके से जानवर होते हैं ना, इस तरीके से this फीता जैसा, just like ribbon, okay? So इनकी body कैसी होती है? देयर बॉडी हेड होता है, सबसे पहले हेड होगा, उसके बाद नेक होगा, फिर स्ट्रॉबिला। स्ट्रॉबिला कैसा होगा, इसमें एक लंबा टेल होगा, ठीक है, लॉन्ग टेल लाइक रीजन होगा, छोटे 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 प्रोग्लोटिड्स होंगे, विच हैज मेनी प्रोग्लोटिड्स। ओके, टेल रीजन में ही प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? So this is the body of tapeworm, वो कैसे दिखता है। Next is life cycle of tapeworm. सबसे पहले primary host man होता है, secondary host pig होता है। तो that you have to remember कि life cycle of tapeworm में primary host सबसे पहला अपना जो life cycle जब complete करता है ना tapeworm, पहले man में complete करेगा, फिर secondary host pig. Okay? Clear है? चलो। Next, about the examples. So these are the very important examples related to Platyhelminthes. Okay? तो ये सारे examples आपको याद रखने हैं। सबसे पहला very common example, that is Planaria. It is also known as Rugasia, and I am telling you, you have to know the common name also, because it always comes in the exam. Fasciola hepatica is known as ship liver fluke. Fasciolipsis busci is intestinal fluke, जो intestine को infect करते हैं। सिस्टोसोमा हेमाटोबियम ब्लड फ्लूक, जो ब्लड में जाते हैं तो उनको ब्लड फ्लूक कहा जाता है। टीनिया सोलियम दैट इज पॉक टेपवर्म, जो पिग में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर, सो देयर नोन इज पॉक टेपवर्म। टीनिया सेगिनेटर इट इज बीफ टेपवर्म। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस
डॉग टेप पॉम तो बहुत तरीके का टेप पॉम होते हैं जो बेसिकली जो इन्फेक्ट करते हैं, जो जिस एनिमल्स में अपना होस्ट बनाते हैं वो उस एनिमल्स के नाम से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे डॉग टेप पॉम हो गया है ना, पॉक टेप पॉम हो गया, बीफ टेप पॉम हो गया, ब्लड, इस तरीके का बहुत तरीके का टेप पॉम होते हैं, ठीक है ना। तो वो बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं, लिविंग बींग पे अपना, लिविंग बींग से अपना होस्ट से फूड गैदर करते हैं। ओके, सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास, दैट इज केटी हेलमिंथस। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग टुडेज क्लास, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेशन हाउ वाज टुडेज क्लास। सो विद दिस आई विल कंक्लूड माई क्लास टुडे। थैंक यू सो मच।